वेलकम फ्रेंड्स, अगर आपने भी डीएलएड की क्लास में एडमिशन करवाया हुआ है, यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, तो आपके लिए पीवीआर स्टडी एकदम वरदान की तरह है। जी हाँ, हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 2, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गुणा एवं भाग की संक्रियाएं। यहाँ पर हम आपको किताब का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बस इतना जान लें कि अध्याय 2 आज से शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुणा तथा भाग की संक्रियाएं। गुणा क्या होता है, पहले कोई चीज हमें समझना होता है कि आखिर वो होता क्या है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो गुणा क्या है, जब किसी अंक या संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो जो उत्तर आता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। अब आप कहेंगे जोड़ा जाता है तो गुणा कैसे होता है, जी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जैसे उसके पहले आप हम समझ लेते हैं दोनों लोग कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, अंक और संख्या अलग क्यों बता रहे हैं ये? जी बिल्कुल अलग होता है। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं और संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये केवल डीएलएड की परीक्षा में आएगा, ये गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप एक चाकू ले लें तो बोले कि ये चाकू भाई तरबूज काटने वाली है, इससे आप टमाटर नहीं काट सकते, तो ऐसी बात तो नहीं है ना। उसी तरबूज भी उसी से काट सकते हैं, टमाटर भी उसी से काट सकते हैं, अपना गला भी उसी से काट सकते हैं, तो आप कुछ भी काट सकते हैं, समझ गए ना, लेकिन गला मत काटिएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो गणित है ये डीएलएड एसएससी बैंक रेलवे ऑल वन डे एग्जाम कक्षा 2, 4, 5, 8, 10 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कोई क्लास नहीं छोड़िएगा। तो अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है? जैसे मैंने लिखा 2, ये एक अंक है। मैंने लिखा 22, ये एक संख्या है। लेकिन अब आप कहेंगे कि दो दो बार लिख दिया तो संख्या हो गई। हाँ बिल्कुल, अगर मैंने यहां लिखा 4 तो ये एक अंक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 44 लिखेंगे तभी संख्या होगी। यहां पर हम 4, 3, 43 भी लिख दें तब भी संख्या हो गई। अब आप ये कंफर्म कर लिए होंगे कि जब कोई एक अंक अकेले लिखा जाता है, मतलब कि जब गणित को प्रदर्शित करने वाले कोई भी सिंबल जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इन्हें अंक बोलते हैं, इनकी कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है। संख्या की परिभाषा होती है अंकों से, 2 या 2 से अधिक अंकों को संख्या कहते हैं। जैसे 22 लिखा, ये भी एक संख्या है। अगर 22 के आगे हम 4 लिख दिए, भी एक संख्या है। इसमें अगर 0 लिख दिए संख्या है, 9 लिख दिए तब भी संख्या है, 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, कुछ भी लिख दिए संख्या ही है। लेकिन अगर अकेला कोई एक डिजिट है तो क्या है, अंक है, संख्या नहीं है। ठीक है, आप गलत तरीके से संख्या बोले तो अलग बात है। अगर मैंने 5 लिखा, 5 एक अंक है, ये इसका शुद्ध तरीका है। तो अब आप अंक और संख्या समझ गए, तो हम आपको बताते हैं गुणा क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, मतलब कोई एक संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो वो गुणा होता है। जैसे आप इधर देखें, मैंने लिखा 5 और 5, मैंने 2 बार इसको जोड़ दिया ना, ये 10 हो गया। जी हाँ, ये गुणा है 10। कैसे, मैंने 5 को कितनी बार जोड़ा, 2 बार। अब आप 5 को 2 बार गुणा कर दीजिए तब वो तो 10 ही आएगा ना, आया ना 10। अगर मैं 5 को 3 बार जोड़ दूं तो होगा क्या, बस वही 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम 5 को 3 से गुणा कर दें तो भी 15 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, कोई अंक को या संख्या को हम जितनी बार जोड़ देते हैं, मतलब वो क्या होता है, एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाए वो क्या होता है, गुणा होता है। ये तो अंक की बात थी। जैसे मैं अगर संख्याओं की बात करता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या, 12 धन 12, तो 12 12 कितना हुआ, 24 हुआ, है ना। तो 24 हुआ, सिंपल सी बात है, 12 को कितनी बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा है, तो आप 12 का 2 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक अंक या संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, यानी गुणा कहलाता है। मतलब ये संख्या गुणा नहीं, यानी ये प्रक्रिया जो है गुणा हो गई। अब हम देखते हैं गुणा की कुछ और भी प्रोसेस क्या है, इनके क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है,
इसको आपने नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा रोक करके लिख लीजिएगा। और ये वीडियो आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा, ऑनलाइन देखेंगे सभी लोग, बस इतनी एक रिक्वेस्ट होगी, आप स्वीकार करेंगे। तो भाई ये धोखा हो रहा है, लाइट वगैरह भी जा रही बीच बीच में। गुण बताने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे अगर चार चार हमने लिखा कितनी बार, चार बार, चार बार है ना, तो इसको अगर हम जोड़े चार बार तो कितना आएगा, 16 आएगा। और अगर हम चार को चार में गुणा कर दें तब भी 16 आएगा। अगर हम 9 9 लिखे हैं पांच बार, इसको अगर जोड़ते हैं तो 45 आएगा, आप जोड़ लीजिएगा। और 9 का पांच में गुणा कर दें तब भी 45 आएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि गुणा की ये प्रॉब्लम होती है, उसे जोड़ने के बाद यानी कि आप क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए, गुणा होता है। बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दीजिएगा। गुणा की प्रॉपर्टी ये होती है, किसी भी डिजिट का सीरियल या फिर स्थान बदलने से मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 9 का 5 में गुणा किया तो ये 45 आया, अगर मैंने 7 का 8 में गुणा किया तो 7 8 56 आया, है ना। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूं, 5 का 9 में किया और 8 का 7 में किया, तब भी 56 और 45 ही आएगा, मतलब उत्तर वही आएगा। इससे ये पहला नियम इसका सिद्ध होता है गुणा का, कि गुणा में किसी भी डिजिट के स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 9 का 5 में किया था तब भी 45 आया था, 5 का 9 में किया तब भी 45 आया, 7 का 8 में गुणा किया तब वो 56 आया, और 8 का 7 में किया तब भी 56 आया, समझ गए। तो ये होता है। बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, ये तो पहला हो गया, बाकी मैं आपको दो अंक का गुणा बताता हूँ समान तरीके से, जैसे कि आपकी किताब में दिया गया ये सभी रूल आप लोगों को आता होगा लेकिन बहुत से मित्रों को नहीं आता है। ये 95 का गुणा करना है आपको 45 से, अब 45 का टेबल तो आपको आता नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इकाई के अंक से गुणा करने पर, मतलब पहले इससे गुणा करेंगे पूरे दोनों में, फिर इससे करेंगे। तो आप पहले 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 हासिल कितना है, 2, 5 9 45 में 2 जोड़ेंगे 47, ठीक है, समझ में आया ना। मतलब यहाँ पे आप चाहे लिख लीजिए इकाई के अंक से गुणा करने पर, हो गया। आप क्या करेंगे गौर करिएगा, दहाई के अंक से अब गुणा करेंगे, लेकिन इसका एक डिजिट लिखते समय क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। मतलब जैसे कि हमें 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 5 20 का 0 आएगा ना, लेकिन वो 0 अपना हम इसको छोड़ के लिखेंगे, यहां लिखेंगे, उसके नीचे नहीं लिखेंगे, ये इसमें तरीका होता है। इस पे आप क्रॉस कर दीजिए या इस पे भी आप 0 लिख सकते हैं, बट कोई भी अंक नहीं लिखेंगे, ये तो संयोग बस यहाँ पे 0 आ रहा है, वरना यहाँ पे कुछ और आता। तो 4 5 20 हासिल आया 2, और 4 9 36 2 38। बस लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे चाहे लिख लीजिए दहाई के अंक से गुणा करने पर, गुणा करने पर अब जोड़ देते हैं, इसके नीचे क्रास है कुछ नहीं है, तो मतलब 5 आएगा, ये 7, ये 8 4 12 हासिल 1, ये 3 1 4, इस तरह से आपका 4275 आ गया, समझ गए। ये सिंपल में रूल होता है। बाकी हम आपको और भी सवाल दे देते हैं, आप इस तरह से इसको सबको कर सकते हैं। जैसे 99 का मल्टीपल 87 में करना है, या फिर इधर मैं आपको और भी दिखा देता हूं, इनमें से आप लोग कुछ सवालों को घर से करके लेके आएंगे और कुछ को हम यहाँ पे करवा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है ना। इसको सबको आप लोग नोट कर लीजिए और घर से करके लेके आइएगा, जैसे ही आपका ब्रॉडबैंड का सिस्टम हो जाता है जल्दी ही आपकी 1-1 घंटे की लाइव शुरू हो जाएगी। कृपया अनएकेडमी और फेसबुक पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर आप फेसबुक पर ये क्लास देख रहे हैं तो ऊपर आपको लिंक दी गई होगी वीडियो के, वहां से आप यूट्यूब पर आए या फिर यूट्यूब पर PVR स्टडी सर्च करें और देखें पूरा कंप्लीट कोर्स। इसके अलावा आपके अपने दो यूट्यूब चैनल मैथ आसान है और PVR स्टडी ग्रुप, इन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें,
जिससे आपको सभी क्लास आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, मैं राजकुमार यदुवंशी आज की क्लास में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित सेकंड चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर किए हैं। कैसी लगी आपको क्लास अवश्य बताइएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से अगले सप्ताह यानी आज बुधवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास 9:30 बजे से होती है। बाकी तीन दिन यानी कि बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार 9:30 बजे से ही आपकी क्लास सेकेंड सेमेस्टर की होती है, और 10 बजे से प्रथम 3 दिन थर्ड सेमेस्टर और अंतिम 3 दिन फोर्थ सेमेस्टर होती है। किसी प्रकार की इंक्वायरी, सुझाव, शिकायत अथवा कंप्लेन के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको इन तीनों दिनों में भी क्लास नहीं मिल पाती कोई क्लास, तो आप क्लास ज्वाइन करें, ऊपर आपको नंबर दिया गया है। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो हो सकता है आपको शेड्यूल वाइज क्लास ना मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऊपर दिए गए नंबर 9793484848 पे संपर्क करें। थैंक यू।